ओके नाउ न्यू सब्जेक्ट इज पीएसएम। पीएसएम काफी लंबा चौड़ा सब्जेक्ट रहता है। पीएसएम से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पीएसएम में हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी कवर हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज देखने को मिलेगी, बट हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जहाँ पे केवल और केवल पीएसएम से ही वो क्वेश्चंस होते हैं। ओके लाइक पीएसएम से किस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं, देखिए बेसिक क्वेश्चंस आप साथ के साथ लिखते जाइएगा। बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं, देखिए ह्यूमरल थ्योरी किस में रहती है, कौन सी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में रहती है? आयुष में। ह्यूमरल थ्योरी, ह्यूमरल थ्योरी इन यूनानी। तो ये क्वेश्चंस आपको लगता है कि आयुष से है, डेफिनेटली ये किससे रहता है, पीएसएम का सब्जेक्ट का है। ह्यूमरल थ्योरी के बारे में आयुर्वेदा का, अगर यूनानी की बात की है तो आयुर्वेदा का थ्योरी क्या है, आयुर्वेदा का थ्योरी क्या है? त्रियादोष, त्रिदोष, त्रिदोषास थ्योरी। अगर बात करें होम्योपैथिक का, होम्योपैथिक की थ्योरी क्या है, ये तो आप सब प्लीज चैट बॉक्स में आंसर डाल दें, ये आंसर करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। थ्योरी क्या है होम्योपैथिक की? एंड सिद्धा की क्या थ्योरी है, सिद्धा सिद्धा की क्या थ्योरी रहती है? ये मेनली आयुर्वेदिक बेस पे ही त्रिदोषास को फॉलो करता है। एंड यहाँ ये कहाँ से कल्टिवेट हुआ है, ये होता है तमिलनाडु से। सिमिलिया सिमिलिबस करेंट, वेरी गुड। करंट होम्योपैथिक का थ्योरी। ओके इसी तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक ग्रोथ चार्ट इन्वेंटेड बाय, जो ग्रोथ चार्ट जिसके बेसिस पे बोलते हो कि हाइट एंड वेट इतना बेबी का है, तो ग्रोथ चार्ट इन्वेंटेड बाय दी डेविड मॉर्ली, डेविड मोर्डे। ब्लड ग्रुप किसने दिया था, ब्लड ग्रुपिंग गिवन बाय द कार्ल लैंडरस्टीन। लैंडस्टीनर, ओके देन जैसे कि हम मानते हैं मल्टीपल फैक्टोरियल थ्योरी ऑफ कोजिशन, मल्टी फैक्टोरियल कॉजिटिव थ्योरी कोजिशन गिवन बाय दी पेंटकॉफर, पेंटकॉफर। इसी तरीके से ये होती है बेसिक चीजें पीएसएम की। इसी तरीके से हेरिंग डालिए कम्युनिकेबल डिजीजेस में से क्वेश्चन कैसे रहता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। स्लिम्स डिजीज, स्लिम्स डिजीज किसको बोला जाता है, नोन एज नोन बाय द एड्स, स्लिम्स डिजीज नोन एज एड्स। वाइट डिजीज, ये वन लाइनर्स हैं इसीलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन वापस से बताऊंगा। वाइट डिजीज नोन एज ए टीबी, ब्लैक डेथ, ब्लैक, और मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मोस्ट कॉमनली हमारे एआईपीजीटी एंड यूपीएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके यानी के चांसेस हैं। ब्लैक डिजीज प्लेग, ब्लैक डिजीज
is black death is plague, black vomitus, black vomitus, yellow fever, black vomitus, येलो फीवर। अब कुछ डेज के अकॉर्डिंग हमारे को डिजीजेस पूछी जाती हैं, लाइक लिखिए फिफ्थ डे डिजीज। फिफ्थ डे डिजीज किसको बोला जाता है? ट्रेंच फीवर, ट्रेंच फीवर फिफ्थ डे डिजीज। एट्थ डे डिजीज, एट्थ डे डिजीज इज टिटेनस, टिटेनस न्यूनेटरम, टिटेनस न्यूनेटरम। बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 डे डिजीज इज पर्ट्यूसिस। ये तो आपको सबको पता ही है, 100 डे डिजीज पर्ट्यूसिस। थर्ड डे डिजीज इज दी रूबेला। ये डायरेक्ट वन लाइनर्स हैं, आपको याद रखने चाहिए। ओके ओके कंटिन्यू। हम इंडिविजुअल कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कॉमनेस्ट वन लाइनर्स जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको कवर किया है। अभी देखते हैं हम पर्टिकुलर डिजीज को लेके, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे चिकन पॉक्स एंड मिजल्स एंड ऑल, तो हम इंडिविजुअल डिजीज को लेके उसके अंदर से किस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं उस तरीके से मैं कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज इज दी स्मॉल पॉक्स। फर्स्ट डिजीज डाली स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में लिखिए, अब क्वेश्चन कैसा रहता है, अगर स्मॉल पॉक्स को पूरा पढ़ना है तो वो हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के उसमें देखते हैं, बट पीएसएम में स्मॉल पॉक्स से क्वेश्चन किस तरीके से रहता है देखिए। लास्ट केस ऑफ, लास्ट केस ऑफ द स्मॉल पॉक्स सीन इन कौन सी कंट्री में देखा गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सोमालिया। ओके लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन वर्ल्ड कहाँ पे देखा गया था, सोमालिया। अगर पूछा जाता है लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया, इन इंडिया पूछा जाए तो सीन इन दी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इन 24 मई, 24 मई 1975, 1975। ओके क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉल पॉक्स फ्री इंडिया कब अनाउंस किया गया था, अप्रैल 1977, अप्रैल 1977। ओके मींस इरेडिकेशन, इरेडिकेशंस कब हुआ था, 1977। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कॉमनेस्ट होता है, स्मॉल पॉक्स हैज हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए, ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर में कौन सा बैक्टीरिया डिजीज है हमारा, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स हैज हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ बीइंग यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल वॉरफेयर। बहुत कॉमनेस्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर से पूछने लायक क्वेश्चन जो अपने को एआईबीजीटी में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स।
नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स, नेक्स्ट ओके। चिकन पॉक्स के लिए सबसे पहले क्या चीज पूछी जाती है? आईपी, एंड आईपी फॉर चिकन पॉक्स इज 7 to 21 days, बट कॉमनली जो एग्जाम में ऑप्शंस दिए जाते हैं, क्योंकि मैं उस तरीके से प्रिपरेशन कराता हूँ जिसके अंदर हमारे को ऑप्शंस दिखेगा, वहां पे ऑप्शंस 7 to 21 ए से लेके डी तक कोई भी ऑप्शंस में 7 to 21 days नहीं दिखेगा। ऑप्शंस क्या मोस्ट कॉमनली दिखा दे जाता है? इट इज 14 to 16 days, 14 to 16 days, और 14 to 16 days दिखते ही टिक कर देना है, ठीक है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। चिकन पॉक्स में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो रहते हैं इसके डेसेस से, या पर्टिकुलर डेसेस देखने को मिलते हैं चिकन पॉक्स के अंदर, जो कि कैसे होते हैं? प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक, और कई जगह बुक में लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल है, बट यहाँ पे जो डिशेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लियोमॉर्फिक, जो रेसेस हैं, ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेस, ऑल स्टेजेस आर नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस एक्सेप्ट एक्सेप्ट वेसिकल्स, वेसाइकल्स, एक्सेप्ट वेसाइकल्स, ओके। रेसेस आर दी नॉन अम्बिलिकेटेड, नॉन अम्बिलिकेटेड, अम्बिलिकेटेड मीन्स तो समझ में आ ही गया होगा, ये डॉम शेप की जो चीज होती है, तो यहाँ पे टॉप पे एक जो डॉट देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकेटेड, तो दिस आर दी नॉन अम्बिलिकेटेड, ओके। डॉक्टर मीरा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, वैसे मैंने कर दिया है, ओके। चीज जो याद रखने की है, रेसेस कभी भी अफेक्ट नहीं करते किसको? पाम्स एंड सोल्स को, तो रेड लाइन में लिखिए डज नॉट अफेक्ट पाम एंड सोल्स। तो करेक्टरिस्टिक चीज है, समझाने की कोशिश करता हूँ। अपन होता है ना कि एग्जाम के लिए हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं, बट जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो याद नहीं रख पाते, तो नोट्स को इस तरीके से मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ कि आपको इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और अगर इतना याद रखा तो आपके एग्जाम में इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। पाम्स एंड सोल्स आर अनअफेक्टेड। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन रेसेस ऑफ द चिकन पॉक्स इज एक्सिला इज स्पेयर, एक्सिला इज स्पेयर। तो ये दो लाइनें आपको याद रखनी है, ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इन चिकन पॉक्स इज फॉर कंट्रोल, यूपीएससी का क्वेश्चन था ये, फॉर कंट्रोल, देखना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के, तो वहां पे ये दिखेगा आपको कंट्रोल। तो फॉर कंट्रोल ऑफ द चिकन पॉक्स आइसोलेशन कब करना चाहिए? आइसोलेशन शुड बी डन 6 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेसेस अपीयर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये यूपीएससी में आने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए रेड लाइन में लिखा है, ओके। बात करते हैं वैक्सीन की, तो वैक्सीन कौन से होंगे? ओके, वैक्सीन यूजफुल इन चिकन पॉक्स, जिसकी 2 डोज ऑफ वेरिसेला वैक्सीन, सेकेंड 2 डोज ऑफ वेरिसेला वैक्सीन, वन इज 16 to 24 वीक पे, सॉरी 16 to 24 मंथ पे, एंड सेकेंड एट द एज ऑफ द 5 to 6 ईयर, एट द एज ऑफ द 5 to 6 ईयर, ओके। अगर हमारे को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वैक्सीन से, तो
अपन को पता होना चाहिए, इसीलिए ब्रॉडली आपको नॉलेज दिया है, ओके। वैसे क्वेश्चन कम रहते हैं हमारे को वैक्सीन से। देन नेक्स्ट डिजीज स्टार्ट करते हैं, मिजल्स। मिजल्स में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड अराउंड एंड अराउंड 10 days, सॉरी अराउंड एंड अराउंड 10 days, ओके। तो ये एवरेज रहता है, इट इज एवरेज फॉर द फीवर। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा हूँ मीन्स कि अपने को नोट करना पड़ेगा क्वेश्चंस में कि आईपी फॉर फीवर पूछना चाह रहा है या आईपी इन जनरल पूछना चाह रहा है या आईपी फॉर वैक्सीनेशन पूछना चाह रहा है, किसके लिए आईपी पूछना चाह रहा है। अगर मैं बात करूँ आईपी फॉर वैक्सीन, क्योंकि इसमें आईपी इंपॉर्टेंट रहता है, अगर हम पीएसएम की बात करते हैं तो आईपी हर एक का पता होना चाहिए। आईपी फॉर वैक्सीन पर्सन के लिए एवरेज 7 days, ओके। आईपी डिजीज मीन्स दी रेसेस, रेसेस की अगर बात करें तो इट इज 14 days फॉर रेसेस, ओके। और अगर बात करें, अगर आईपी फॉर वैक्सीन की बात करें मींस वैक्सीन शुड बी, लाइन लिख के रखिए, पोस्ट एक्सपोजर टू ससेप्टिबल्स to susceptible within 3 days, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, within 3 days of contact, please rejoin please rejoin after 10 minutes because after 10 minutes class will be disconnected। देखिए मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो मिजल्स से पूछा जाता है, ध्यान से लिखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ मिजल्स से, अगर कंट्रोवर्शियल चीज पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मतलब वहां पे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस रहते हैं। आपको इसके आंसर हर एक गाइड बुक में अलग अलग आंसर मिलेगा, बट मैं फॉलो जो कर रहा हूँ तो मैं आपको बुक भी बता दूंगा पीएसएम के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। तो मिजल्स से क्वेश्चंस मोस्ट कॉमन कंट्रोवर्सी रहता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट वन इज द डायरिया, जैसे मैं लिख रहा हूं प्लीज वैसे के वैसे लिखना। फर्स्ट वन इज द डायरिया एंड सेकंड वन इज द ओटाइटिस मीडिया। मींस अगर आपको ऑप्शंस में डायरिया दिखता है तो आप डायरिया टिक करेंगे, मीन्स दोनों ही ऑप्शंस दिख रहे हैं तो आप डायरिया टिक करेंगे। अगर डायरिया ऑप्शंस में नहीं है तो हम ओटाइटिस मीडिया को टिक करेंगे, ओके। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस, लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस कॉम्प्लिकेशन, इज न्यूमोनिया, इज न्यूमोनिया। लीस्ट थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग एंड एक क्वेश्चन आया था लीस्ट थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, लीस्ट थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन इज SSPE मींस सब एक्यूट स्क्लेरोराइजिंग पेन एनसेफेलाइटिस, SSPE, ओके। सब एक्यूट स्क्लेरोराइजिंग पेन एनसेफेलाइटिस, ओके। क्वेश्चंस मिजल्स से पूछा जाता है इसकी इन्फेक्टिविटी से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ तो देखिए, नेक्स्ट फ्रॉम द मिजल्स इज इन्फेक्टिविटी ऑफ मिजल्स
कब तक रहेगी? इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से लिखिए, 4 days बिफोर, 4 days बिफोर टू 5 days आफ्टर, 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ द रेसेस। अपीयरेंस ऑफ रेसेस, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, तो इसी तरीके से लिखना जिससे याद रहेगा। ऊपर 4 नीचे 5, तो जिस वे में हम लिखते हैं उसी वे में हमारे को याद भी रहता है। तो एक लाइन में लिखने से याद नहीं रहेंगे, आपको 4 by 5 करना पड़ेगा, 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर। इस तरीके से मेरा याद करने का तरीका है, तो आप भी इस तरीके से लिखेंगे तो याद रहेगा आपको। देन इंपॉर्टेंस ऑफ द रेसेस, रेसेस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं मेजर्स के, रेसेस सीन इन पोस्ट ऑरिकुलर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरिकुलर, देन स्प्रेड टू द ट्रंक, स्प्रेड टू दी ट्रंक, देन स्प्रेड टू दी एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज स्प्रेड टू दी एक्सट्रीमिटीज। देन एक चीज याद रखिए, पोस्ट ऑरिकुलरली स्टार्ट हुआ, ट्रंक पे आया, देन एक्सट्रीमिटीज में गया। तो एक लाइन लिखिए लास्ट, जो हम हमारे हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में पढ़ते हैं, क्या? डिसअपीयरेंस डिसअपियर इन सेम ऑर्डर इन विच दे अपियर, इन विच दे अपियर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है रेसेस के लिए, ओके। यहाँ पे हमारे को कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कॉप्लिक स्पॉट सीन इन मेजर्स। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अब अगर पेपर का लेवल हाई है तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कॉप्लिक स्पॉट सीन इन सेकंड अपर मोलर पोर्शंस में देखने को मिलता है। कौन से पोर्शंस में देखने को मिलता है? सेकंड अपर मोलर पोर्शंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ट्रायड है किसका, मेजर्स का, और वो ट्रायड क्या है? फीवर, रैशेस एंड कैटार। दिस इज द ट्रायड ऑफ मेजर्स, ट्रायड ऑफ मेजर्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रूबेला, नेक्स्ट इज रूबेला। इन्फेक्टिविटी की बात करते हैं, इन्फेक्टिविटी मैक्सिमम कब रहेगी? मैक्सिमम व्हेन रेसेस इरप्ट, रेसेस इरप्ट, रेसेस इरप्ट। सेकेंड थिंग, रूबेला का एक चीज रहती है कि नो कैरियर स्टेज, ओके। अगर इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है रूबेला से कि इन इंडिया ग्रेटर देन 40% फीमेल्स, 40% वुमेन्स ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, इंपॉर्टेंट चीज है चाइल्ड बियरिंग एज, आर ससेप्टिबल्स, मोस्ट कॉमन चांसेस रहते हैं वही दोनों के, आर ससेप्टिबल्स। एंड क्वेश्चन किस तरीके से बनता है चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप में, कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हमारे को, सिम्टम्स भी हमारे को प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलेंगे एंड कॉम्प्लिकेशंस भी। तो चीजें यहाँ पे देखिए, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर वाइज आपको बताता हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर।
तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज दी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। जब मेरी ऑप्शन एंड गायनी की क्लास ली थी तो उसमें मैंने स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का अंदर वायरल इन्फेक्शन के अंदर रूबेला मेंशन किया था। अगर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन नहीं होता है तो वहां पे क्या डेवलप होता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। क्या डेवलप होता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। एंड कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम क्या रहता है, फर्स्ट पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, सेकंड कंजेनाइटल कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट एंड कंजेनाइटल डीपनेस, सॉरी कंजेनाइटल डीपनेस। ओके, तीन कैरेक्टरिस्टिक मिलके बन जाते हैं हमारा कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अगर ये तो हुआ हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, कंजेनाइटल डीपनेस, कंजेनाइटल डीपनेस। अगर बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर की, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलेगा, नो मेजर एनोमलीज। ओके, अब कहेंगे कि सर क्वेश्चन हमेशा ये थोड़ी ना पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉम्प्लिकेशन बताइए, सेकंड ट्राइमेस्टर कॉम्प्लिकेशन बताइए, तो इसको रेड लाइन में लिखिए। अगर कॉमनली पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली